अपनी ओर जागे जागे, हर पल हर क्षण हर मोमेंट जागे जागे, जो भी हो रहा है उसको वाच करते रहना, मन माया का खेल जागे जागे देखते रहना, ये देखना बहुत अद्भुत अनमोल अद्वितीय है। ये देखना तुम्हें दैदिप्यमान कर देगा, तुम्हें एनलाइटन कर देगा। सदा पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर उलझा हुआ माइंड हमको भी पिक्चर लघु बनाता चला जाता है, हमें अपने वर्तमान के पलों से वंचित करता चला जाता है, और हम जाने अनजाने उसी के पीछे पड़े सारा जन्म गवा देते हैं। पास्ट और फ्यूचर, भूत भविष्य की रस्सियों पे उलझे रहते हैं, वर्तमान का पल कभी पिरोया नहीं, वर्तमान के पलों में कभी जिया नहीं। वर्तमान विराट बना देगा तुझको, विराट अस्तित्व में उतार देगा। ये एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस का खजाना जिसके हाथ लगा, वही मालोमाल होकर के जिया, वही आनंद मगन होकर के स्वस्थ होकर के जिया। उसके दिलो दिमाग पर कोई किसी प्रकार की भी परछाई ना रही, वो केवल एकमात्र प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी को पिरोता हुआ हर घड़ी हर पल हर मोमेंट जागे जागे जिया। तुम भी जागना और जीवन का आनंद लेना। पुनः पुनः जागो, पुनः पुनः लौटो अपने स्वभाव में। माइंड का पीछे लघु होकर के समय न गवा देना। बहुत थोड़ा सा समय मिला है भीतर की ओर जागने का, बहुत थोड़ा सा अवसर मिला है भीतर को आविष्कार करने का, बहुत थोड़ा सा अवसर मिला है अस्तित्व में उतर जाने का। गवा न देना, मन के हाथों लग करके यूं ही न गवा देना। थोड़ा मन से हट करके थोड़ी डिस्टेंस, थोड़ी दूरी माइंड से पिरोना, और जाके जाके माइंड की गतिविधियों को देखते रहना, माइंड की एक्टिविटीज को वॉच करते रहना। बहुत माइंड हावी रहेगा, आप परवाह ना करना, आप केवल शांत मुद्रा में मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। माइंड की गतिविधियों को, माइंड की एक्टिविटीज को, माइंड की डुअलिटीज को अच्छी तरह वाच करना। आनंदमय स्थिति का जायजा लेते रहना भीतर की ओर। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, सिंपली वाच इट, बी वॉचफुल। Never focus your mind, simply watch it. Mind को focus करने से थोड़ी सी concentration आएगी, किंतु you will be never enlightened one. बहुत बहुत अर्जुन ने concentration किया था, उसी को मेडिटेशन समझ बैठा था, नहीं मिला वो शिखर, नहीं मिला उसको, वो तो एक पल में ढह गया। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने, उस जगमगाती ज्योत ने, उस रहनुमा ने पुनः याद दिलाई उसको कि तुम अपने माइंड के साथ टोटली आइडेंटिफाइड हुए थे, माइंड से हटे नहीं थे,
माइंड से हटना, माइंड से अभाव होना, माइंड से ऊपर उठना, माइंड से थोड़ा सा हट करके रहना, हार्दिक भाव जगा देगा, विजडम पिरो देगा, बहुत आनंदमय स्थिति में तुम जगमगा उठोगी। अर्जुन को कोई सदगुरु नहीं मिला, गुरु मिले, कोई जागा पुरुष नहीं मिला। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाई, दिशा दी, और वह एक ऐसी दीवानगी में डूबा कि आखिर को जगमगा उठा, अपनी शिखर को चूमता चला गया, बियॉन्ड माइंड होता चला गया, एंड ही बिकम्स मास्टर ऑफ माइंड। ये है केवल मात्र सदगुरु की देन, ये है तमाम मुर्शिदों की देन, यही है एकमात्र अनमोल अस्तित्व खजाना, जिसके हाथ लगा मालो माल हुआ, आबाद हुआ चारों युगों में। धन्य धन्य वो जीवन जिसके हाथ भीतर का तल लग जाता है, भीतर का टच एकमात्र ट्रैंक्विलिटी में उतार देता है। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में। एक जश्न सा बपा है, एक जश्न सा बना है सरकार की गली में, एक जश्न सा बना है सरकार की गली में। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में। बाबा को एक बात कही, बाबा आप कहां रहे, मेरी 17-18 वर्ष की आयु गुजर गई, 18 वर्ष का होने जा रहा हूं, मुझे ये प्यास लग रही उत्कंठा की दीवानगी पहले क्यों ना मिल गई, ये दर्द दीवानगी का आलम मुझको पहले क्यों ना मिल गया। बाबा तू पहले क्यों ना मिल गया, ऐसी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जलाया,
कि सारी उम्र कुर्बान कर दिया बाबा पे। एक वकील का पुत्र गजब का नूर पिरो गया। बाबा जान के जाने के पश्चात भी लगातार बाबा की महिमा गाता गाता गली गली गूंजता गूंजता विचरता अपने आप को आबाद कर गया। धन्य है वो जीवन जो सारा अस्तित्व अपना सारी एग्जिस्टेंस अपनी पिरो देता है बाबा के साथ। आहा, उसे कोई दूसरा नहीं चाहिए। हर पल हर घड़ी हर मोमेंट बाबा ही बाबा समाया है नजरों में। उसकी नजर को तनिक मात्र भी कोई धोखा नहीं दे सकता। उसकी नजर कहीं नहीं है, एक बाबा में है। केरला के राजा के पास जब पहुंचा बाबा के जाने के पश्चात, चलता चलता केरला के राजा के पास पहुंचा। बहुत सुंदर से सुंदर नारियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग वहां बैठा है, चारों तरफ सुंदरता छाई है, सौंदर्य छाया है, परंतु उसने कभी आंख उठा करके दूसरे को नहीं देखा। एक बाबा ही बाबा उसकी नजर में रहता है। गुरु रविदास की वाणी को वहां की वेश्या ने गाया, मंत्र मुग्ध कर दिया सबको, परंतु उसने आंख उठा करके एक बार भी नहीं देखा उसे। उसकी नजरों में बाबा और आंखों में आंसू। एकमात्र बाबा किसी को और अपना बनाने की कोशिश नहीं किया। कोई भी रिश्तेदार नाती संबंधी आया मिलने के लिए, कभी भी उसने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। एक रिश्ता बाबा के साथ, उसे नहीं चाहिए कोई भी। भगवान कृष्ण नहीं चाहिए, राम नहीं चाहिए, कोई भगवान नहीं चाहिए। वो कहता है मेरा राम कृष्ण सबसे ऊंचा भगवान है, उससे ऊंचा भगवान दुनिया में कोई नहीं। उपनिषदों की वाणी को लेकर के चला और सदा सदा के लिए कुर्बान हो गया बाबा पे। क्या गजब ढाता है नरेन विवेकानंद होने वाला, छोटी सी आयु में कमाल कर गया। इतनी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जलाया कि उस दीपिका की महान रोशनी में अमेरिका पहुंचा। वहां जाकर के भी 5 मिनट बोलने के पश्चात जब सारी दुनिया छा गई उस पे, तो कहता मैं नहीं बोला, मेरा बाबा बोला, बाबा ही बाबा बोला, मैं नहीं बोला, मुझे बात मालूम नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बोलना है क्या नहीं। मैंने देखा खुद बाबा बोल रहा है मेरे भीतर बैठ कर। क्या गजब का समर्पण है। ये समर्पित भाव उसको मालोमाल कर गया, आबाद कर गया, सदा सदा के लिए आबादी का दौर पिरो गया। वही कहता है ओ दुनिया वालों, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में। जश्न सा बपा है सरकार की गली में, जश्न सा बपा है सरकार की गली में, सरकार की गली में, सरकार एक जश्न सा बपा।
सरकार की गली जश्न सा बपा है सरकार की गली रिंदो जरा देखना क्या हालात है उसके सामने। बाबा रामकृष्ण के पास एक इंच भी स्थान नहीं है किसी को रखने का, एक इंच भी जगह अपनी नहीं है। और वो 12 शिष्यों को थे तो 16 कि तो 4 प्रौढ़ थे, छोटे छोटे बालक, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, कोई 18 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, छोटे छोटे बालक कुछ वर्षों से घर बार छोड़ करके आए थे, और जो आए थे वो बने रह गए। बाबा गया गया गया, उसका साकार रूप ना रहा, निराकार रूप हो गया। किंतु वो 12 के 12 शिष्य थे तो 16 है, किंतु 12 के 12 छोटे छोटे बालक अपना जीवन कुर्बान कर गए बाबा पे। एक भी घर वापस नहीं लौटा, एक भी घर वालों के हाथ नहीं लगा, एक भी घर वालों को मिलने नहीं गया। पाखंडी लोगों का काम होता है यह, मेरा पाखंड पिरोते हैं, दिखावा करते हैं। क्या गजब का नूर पिरोया, 12 के 12 शिष्य अमर हो गए, आबाद हो गए। बाबा चले गए, बाबा एक इंच जगह नहीं दे गया, एक बिस्तरा भी नहीं देगा, एक बर्तन भी नहीं देगा, बाबा कुछ भी नहीं दे गया। किंतु उन महान अस्तित्व के मालिकों ने गजब ढा दिया। क्या त्यागमय जीवन है, क्या निराला जीवन है, मिटा हुआ जीवन है उन 12 के 12 शिष्यों में। एक भी शिष्य घर वापस नहीं गया, और उनके पास है भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दक्षिणेश्वर मंदिर में जो जो था वो तो रानी का है, उसका नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। वो तो 2 कपड़े भी नहीं दे गया बच्चों। आप हैरान होंगे क्या त्याग में जीवन है बाबा का, रामकृष्ण का। कुछ भी नहीं दे गया, अपने शिष्यों के हाथ और चल दिया। किंतु शिष्यों ने कर्म कमाया, ऐसा कर्म कमाया कि दुनिया में नाम उज्जवल कर दिया बाबा का, धन्य धन्य कर दिया। क्या गजब का त्याग, क्या गजब का प्रेम पिरोया। दीवानगी का आलम, 12 के 12 शिष्यों ने गजब ठा दिया। प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा ऐसा गूंजा, ऐसा गूंजा कि सारा विश्व, सारा संसार उन पे कुर्बान हो गया। सरकार की गली का बात आके पूछे, सरकार की गली का रुतबा तो जाके पूछे, सरकार की गली का रुतबा तो जाके पूछे, सरकार की गली का रुतबा तो जाके पूछे। का झूमता है सरकार की गली में, दिल जिसका झूमता है सरकार की गली में, दिल जिसका झूमता है सरकार।
संसार की गली दिल जिसका झूमता है सरकार की गली में, एक जश्न सा बपा है सरकार की गली में, एक जश्न सा बपा है सरकार की गली में, एक जश्न सा बपा है सरकार की गली जश्न सा बपा है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है, मत पूछिए कि क्या है सरकार, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली, मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, एक जश्न सा बपा है सरकार की गली में, एक जश्न सा बपा है सरकार की गली में, एक जश्न सा बपा है सरकार जश्न सा बपा है सरकार की गली भुवनेश्वरी अपने चार बच्चों के, दो बेटियां दो बेटे हैं तो छह, परंतु उन सब की रोटी पानी का इंतजाम मां करती है। मां दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, दूसरों के वस्त्र धोती है। अरे महान एडवोकेट की पत्नी, वकील की पत्नी आज नौकरानी बन रही है, घर घर की नौकरानी बन चुकी है। किंतु वाहरी वाह भुवनेश्वरी, तूने कमाल कर दिया। इस हालात में भी अपने बच्चे को कभी नहीं कहा कि तू वापिस आ जा, हमारी मिजरेबल स्टेट है, गरीबी का आलम पिरोया है, चारों तरफ गरीबी ही गरीबी है, हमारा और कोई नहीं। माँ भुवनेश्वरी ने इतना ही कहा, ओ नरेन बेटा, अगर तू गुरु का बना है तो बना रहना, वापिस नहीं आना तूने, चाहे हम मरे चाहे जिए, हमारी भावना है कि तू उसी दर का बना रहना। क्या गजब कहा मां भुवनेश्वरी ने, इतनी मिजरेबल स्टेट, इतनी गरीबी का महान, अंधेरों से भरा हुआ आलम उतरा है, किंतु उसने एक बार भी बच्चे को डिस्करेज नहीं किया, कभी डिस्करेजमेंट नहीं दिया, कभी भी अपना बना करके उसको अपने घर की दुर्दशा नहीं बताया। धन्य धन्य है मां भुवनेश्वरी, मां सुनीति की तरह तूने जो एक दर्द पिरोया बालक के लिए, उस दर्द ने उसको दीवानगी का रूप दे दिया, और वो दीवाना परवाना मस्ताना अमेरिका में पहुंच करके सारे वर्ल्ड का मालिक बन गया। धन्य धन्य है मां, दुनिया की तमाम नारियों ने उसके लेटर लिखे, बहुत लेटर लिखे, बहुत लेटर लिखे। धन्य धन्य है माँ, तो धन्य धन्य है जिसने पुत्र पैदा किया विवेकानंद जैसा। हाय हाय हाय, आंखों में आंसू भर भर करके अपने बाबा रामकृष्ण की याद करती है, बाबा रामकृष्ण को धन्य धन्य कहती है। माँ भुवनेश्वरी जिसके पास दो समय का भोजन नहीं है, दो समय की रोटी नहीं है, उसने गजब ढा दिया अपने बच्चे को, ऐसा
स्पिरिट प्रदान किया, ऐसी शक्ति प्रदान किया कि बच्चा वापस लौट के ना आए, वापस कभी भी मेरे दरिद्रता की घड़ी में मेरी गरीबी को देख करके कहीं भी पिघल ना जाए, कहीं भी वापस ना लौटे और मेरी मदद ना करे। अगर तू बाबा का बना है तो बाबा का बना रहना, बाबा का होके रहना। धन्य धन्य उस माँ ने कह दिया। उस माँ का चमत्कार था कि नरेन विवेकानंद होकर के जगमगा उठा सारे विश्व में। धन्य धन्य है माँ भुवनेश्वरी जिसने ऐसा लाल पैदा किया, जो गुरु का दीवाना बनकर के जगमगाया। किस किस को मैं बताऊं, बाहर वहा भुवनेश्वरी कमाल कर गई, गजब ढा गई। किस किस को मैं बताऊं, खुद आके देख लीजो। किस किस को मैं बताऊं, खुद आके देख लीजो। जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में।